जय नारायण ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ऐसे प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं जो सारे बच्चों का डाउट्स है, जो हर एक बच्चा सोचता है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको उसका आंसर्स बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहूँगा। वो फैक्ट क्या है और वो प्रश्न क्या है जिसके बारे में जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चंस क्या है? जैसा कि आज के टाइम पे हर बच्चा, जो भी बच्चा 10th पास हो रहा है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस स्ट्रीम्स को पढ़े या वो किधर जाए। मैथ पढ़े या बायो पढ़े या कॉमर्स या कुछ और। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। हर एक सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। बट एक फैक्ट ये भी है, हर एक चीज़ का यूज़ लिमिटेड है, हर एक सब्जेक्ट का यूज़ लिमिटेड है। अब प्रॉब्लम्स ये होती है, लिमिटेड है तो कुछ सब्जेक्ट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, कुछ सब्जेक्ट का यूज़ कम होगा, कुछ सब्जेक्ट का बिल्कुल कम होता है और वहाँ पे थोड़े से कैरियर सिक्योर नहीं हो पाते। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे बच्चों का ये आता है कि सर 10th के बाद मुझे मैथ लेना चाहिए या बायो लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बेटा, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है आपको उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा। आपको इंटरेस्ट नहीं है यदि किसी चीज़ में तो आप उस काम को तल्लीनता से नहीं कर पाओगे, और जब आप काम नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज़, आपको क्या लेना चाहिए? आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात दूसरी, हम मैथ पढ़ें या बायो पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम मैथ पढ़ें या बायो पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें, जैसा कि हम सबसे टॉप क्लास की बात करने जा रहे हैं, सबसे टॉप क्लास सर्वेंट की बात करने जा रहे हैं। सबसे जो टॉप क्लास का सर्वेंट होता है, जिसको आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आप लोगों ने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे, बेटा IAS सबसे बड़ा आदमी होता है इंडिया का। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल में सबसे बड़ी जॉब होती है IAS की। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल में सबसे बड़ी जॉब कौन सी होती है? IAS की। तो ये हुई गवर्नमेंट की बात कर ली हमने। दूसरा, यदि हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में जो सबसे बड़ी ऑफिशियल जॉब है वो क्या है बेटा? वो सबसे बड़ी जॉब है IIM या MBA की जॉब होती है, MBA। और MBA वहाँ से अच्छी जॉब मिलती है जब आप IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हो। यदि आप IIM से पढ़ाई करते हो, MBA करते हो, फिर वहाँ से जो आपको जॉब मिलती है शायद वो कॉरपोरेट की सबसे बड़ी जॉब होती है आपकी इनिशियल स्टेज पे। तो ये बात हुई हमारी कि सबसे बड़ी जॉब गवर्नमेंट जॉब UPSC। तो यहाँ पे कई बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं कि सर मुझे IAS करना है, अब मैं क्या लूँ? तो बेटा उसको समझने के लिए मैं क्या लूँ, इस बात को डिफाइन करने के लिए आपको ये पूरा वीडियो जो भी 10 या 5 मिनट का है देखना पड़ेगा एक बार। यदि आपको UPSC की तैयारी करनी है और आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो पढ़िए, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। वो फैक्ट क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। आपको यदि UPSC की तैयारी करनी है, आपको IAS बनना है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? मैथ पढ़ना चाहिए, बायो पढ़ना चाहिए या कॉमर्स पढ़ना चाहिए, ये मैं कुछ नहीं बताऊँगा, वो आपको अपने आप से डिसीजन लेना है बेटा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अभी आपके सामने जो फैक्ट रखे जा रहे हैं, उस फैक्ट्स का क्या रोल है और वो फैक्ट्स किस सब्जेक्ट को अलाउ करना चाहता है, आप उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करें बेहतर होगा। यदि आप हार्ड वर्किंग हैं, यदि आप मेहनती हैं, यदि आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, तो आपको टॉप क्लास का ही कोर्स करना चाहिए जिससे आपकी मेहनत करने का जो रिदम है बना रहे। यदि आप किसी छोटे कोर्स में जाते हैं, लाइक एज कुछ ऐसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपके मेहनत करने का रिदम थोड़ा सा कम हो जाता है, आपकी फाइटिंग कम हो जाती है, आपके कंपटीशंस कम हो जाते हैं, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है। तो हम आप लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे हम पहला डिस्कशन करते हैं बेटा कि
यूपीएससी के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये जब क्लास टेंथ का टेंथ पास स्टूडेंट पूछता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूपीएससी के बारे में बता दूं। यूपीएससी, जैसा कि आपको पता होगा, यूपीएससी दो तरीके की जॉब कंडक्ट करती है, दो क्या उसमें कई कैटेगरीज होती हैं, दो की बात ना करें लेकिन हम दो मेन की बात करते हैं। यूपीएससी में बेसिकली आपकी दो चीज़ें चलती हैं साथ में, एक चलता है आईएएस, प्रॉपर आईएएस जिसे हम डीएम के बाद डीएम बोलते हैं, दूसरा होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसके बाद आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, वो सारी बात हम नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉप क्लास आईएएस को मानते हैं, तो हम आईएएस की बात करते हैं, टॉप डीएम की बात करते हैं या आईएफएस की बात करते हैं, जो भी इसको सेलेक्ट करता है, जो भी टॉप टॉप करता है इसको, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ बेटा, सभी लोग इस लिस्ट को ध्यान से देखो। ये लिस्ट यूपीएससी आईएएस फर्स्ट रैंकर की लिस्ट है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे खुली हुई है, ये लिस्ट यूपीएससी फर्स्ट रैंकर की लिस्ट है। कनिष्क कटेरिया राजस्थान, अनुदीप दृष्टि सेट्टी तेलंगाना, नंदिनी, यहाँ पे बेटा गलती से हो गई है, ये नंदिनी है, नंदिनी कर्नाटका, टीना ढाबी दिल्ली, ईरा सिंगल दिल्ली, गौरव अग्रवाल राजस्थान। तो जैसा कि बेटा आपको 2013 से लेकर 2018 तक के टॉपर की लिस्ट मैंने आपको आपके स्क्रीन बोर्ड पे दी है। अब हम एक एक टॉपर के बारे में जानते हैं कि वो एक्चुअल में थे क्या, उन्होंने क्या पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपर ऑफ 2018, टॉपर ऑफ 2018, जैसा कि आपने पढ़ा कनिष्क कटेरिया, कनिष्क कटेरिया ये 2018 के टॉपर हैं। 2018 के टॉपर में हैं, जो इन्होंने किया था, जो इन्होंने पढ़ाई करी थी, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने बीटेक किया था कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद उन्होंने क्या किया है बेटा, कनिक्स ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया टॉप किया था। ये हमारे 2018 के टॉपर कनिष्क कटेरिया की कहानी है। फिर आते हैं हम दूसरे टॉपर, दूसरे टॉपर के बारे में जानते हैं, कौन था हमारा दूसरा टॉपर, 2017, 2017 का जो टॉपर था हमारा अनुदीप अनुसेट्टी का वैकल्पिक विषय एंथ्रोपोलॉजी था। और उन्होंने किया क्या था, आप ध्यान से देखें, बिट्स पिलानी एक टॉप क्लास का कॉलेज है बेटा, आईआईटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बिट्स पिलानी भी कुछ आईआईटी से भी बेहतर माना जाता है, जो हमारी नई आईआईटी से उनसे बेहतर माना जाता है। उन्होंने क्या किया बेटा, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया। अब आपको इतना तो ध्यान आ रहा होगा, हमारा 2018 का टॉपर आईआईटी बॉम्बे से है, 2017 का टॉपर बिट्स पिलानी से है। उसके बाद हम तीसरे टॉपर को लेते हैं बेटा, तीसरे टॉपर को लेते हैं, 2017 के बाद आता है 2016। जैसा कि 2016 में आपने देखा था नंदिनी, नंदिनी इज अ टॉपर। अब नंदिनी ने क्या पढ़ा था बेटा, क्या किया था उन्होंने, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई, ये भी बीटेक ही है, बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। एमएस रमैया साउथ का टॉप का कॉलेज है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बेटा, ये कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, एमएस रमैया साउथ का काफ़ी अच्छा कॉलेज है जिसके बारे में आप जानते होंगे। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हमने तीन टॉपर लगातार देखे, उन तीन टॉपर में यदि आप बात करोगे 2018 में कौन है, हमारे कनिष्क कटेरिया, 2017 में हमारे हैं जो भी हैं दीपक कनिष्क कनिष्ठ कुछ है, और 2016 में हमारे नंदिनी नंदिनी और नंदिनी ने भी क्या किया है, एम एस रैया मरमैया इंस्टीट्यूट से क्या किया है, बी की डिग्री ली है। अब आपको कंटिन्यूअस 3 साल जो टॉपर्स हैं आईआईटी बॉम्बे, बिट्स पिलानी, एम एस रमैया, और ये तीनों कॉलेज एक अच्छे कॉलेज की श्रेणी में आते हैं, टॉप क्लास के कॉलेजेस होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है 2015 की बात करते हैं, 2015 में जो हमारी टॉपर्स थी टीना ढाबी, इनके नाम से अभी आप परिचित होंगे, इनका नाम अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस के टाइम पे काफ़ी आ रहा है, क्योंकि ये जहाँ के डीएम है वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने क्या किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस। अब जो बच्चा
दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानता होगा या जिसके घर में जो कोई होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही कितना टफ होता है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन होते हैं वो आपके एकेडमिक बेस होते हैं, वहाँ का कट ऑफ 99% के अबाउट जाता है। अब लेडी श्रीराम कॉलेज एक टॉप क्लास का कॉलेज है पॉलिटिकल साइंस। अभी तक आपने 4 साल देखे, उन 4 साल में केवल एक बच्चा है जो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हुआ है, बाकी सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, सारे ने मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी होगी। अब हम एक टॉपर और देखते हैं, क्योंकि 5 का डिस्कशन हमारे लिए सफिशियंट होगा। ये हमारे हैं इरा सिंघल। इरा सिंघल, जैसा कि आप लोगों ने इनके बारे में भी सुना होगा, ये विकलांग हैं, कंधे से थोड़ी इनको बीमारी है। जो इनका जो कॉलेज है, जो इन्होंने अपने कॉलेज से किया था, इन्होंने नेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट NSIT, जो दिल्ली का DU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल, इन्होंने यहाँ से बीटेक किया। आफ्टर दैट इन्होंने तैयारी करी है, जैसा कि मैं थोड़ा सा ही इस PDF में ले पाया हूँ, वो थोड़ी सी गलती हो गई है कहीं से, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट यदि आप सर्च करेंगे साइट पे तो आपको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का एक लिंक मिलेगा, वहां आप पता कर सकते हैं कि वहां पे इन्होंने बीटेक किया हुआ है। अब या तो आप इरा सिंघल के बारे में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज है, सबसे जो लास्ट में 2012 के जो हमारे टॉपर है, जो 13 के, आप उनकी बारे में भी बात करोगे तो फिर से एक बार IIT आ गया। तो मींस यदि हमने 5 टॉपरों के बारे में या 6 टॉपरों के बारे में डिस्कस किया, 5 या 6 के बारे में डिस्कस किया, और 6 के 6 या तो IITs से हैं या किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं। अब आपको बेटा ये सोचना होगा कि ये सारे टॉपर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस से क्यों हैं, तो शायद आपको ये जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। यदि आपका ख्वाब, यदि आपके सपने ऊंचे हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे IAS बनकर देश की सेवा करनी है या UPSC के थ्रू मुझे ज्वाइन करना है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, शायद इन 6 टॉपर्स के बारे में आप जानकर या इनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करके आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। बेटा एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, बेटा कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपके कंपटीशंस का मार्केट छोटा या बड़ा हो जाता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट, किस टाइप के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो। जब आप हायर कंपटीशंस में जाते हो, जब आप बड़े लेवल के कंपटीशंस में जाते हो, तो आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं, वहाँ पे आपकी फाइट अच्छे अच्छे लोगों से होती है। और आपने जो जॉब चूज करी है IAS की, IAS इस देश की नंबर एक की जॉब है, किसी भी से पूछोगे तो बेटा वो पहली जॉब बताता है, देश की जो पहली जॉब है वो IAS है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने किसके बारे में बात किया बेटा, कि हमें 10th के बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो 10th के बाद क्या पढ़ना चाहिए, यदि आप इन टॉपर्स को देख चुके हो तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो आपको क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज, बच्चा जब मैथ पढ़ता है तो बोलता है सर मुझे तो IAS बनना है, मैं मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों दिमाग खराब करूं, मुझे क्यों करना चाहिए, मैं शुरू से IAS की प्रिपरेशन ना करूं। बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। उस सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। मैथमेटिक्स आपको स्किल्स देता है, ना कि रटने की शक्ति देती है, आपको स्किल्स प्रोवाइड करता है। आप जितने भी टॉपर हैं, यदि उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में एक बार देखोगे तो आपको लगेगा उन्होंने सारे सब्जेक्ट वही लिए हैं जो एक नॉर्मल बंदा लेता है। बट डिफरेंस कहाँ आया? मैथमेटिक्स, क्योंकि किसी ने बहुत पहले ही कहा है मैथमेटिक्स इज अ किंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी नॉलेज। बिना मैथमेटिक्स के आज के टाइम पे आप चपरासी भी नहीं बन पाओगे, IAS की दूर की बात है। तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, इंजीनियरिंग करो, क्यों करो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब आपको डिसीजन लेना है आपको क्या करना है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, जय नारायण।